तो शाह जी, एक आम मुसलमान बराह रास्त कुरान मजीद अगर पढ़ता है तो उसका तस्किया हो जाएगा या अहलुल्लाह की सुहबत भी ज़रूरी है? देखिए, ये दुनिया के अंदर असूल बना हुआ है कि तालीम और तरबियत। आप कितना ही किसी को बता दें कि ये बंदूक बड़ी मजबूत बंदूक है और यूं करके इसका निशाना लगता है, हज़ारों खसाइस बताएं उसके, लेकिन जब तक वो मैदान अमल में आके उसको चलाएगा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मक्का सारा तालीम था और मदीना सारा तरबियत था। मक्का सारा तालीम था, मदीना सारा। कुरान करीम तालीम है। अहलुल्लाह के साथ बैठेंगे, सोहबत सालिहीन इख्तियार करेंगे। आम आदमी के लिए बहुत लाजिम है कि वो नेक लोगों की सोहबत में बैठे। अपनी ज़िंदगी का एक पूरा हिस्सा उसको देना पड़ेगा, यानी 8 घंटे वो काम करता है, 8 घंटे वो सोता है, तो 8 घंटे उसको अल्लाह की सोहबत में बैठना चाहिए। उसको दुनिया का हर काम छोड़ के अहलुल्लाह की सोहबत, उसे पता चले वहाँ अहलुल्लाह इकट्ठे हैं तो अहलुल्लाह के पास जाए। अहलुल्लाह से मुराद बिदती नहीं है, अहलुल्लाह से मुराद वो लोग नहीं जो शिर्क करते हैं, खुदा के नाम पर भी अहलुल्लाह बने हुए जो शिर्क करते हैं और जो बिदत करते हैं। अहलुल्लाह वो हैं जहाँ बैठ कर आपको याद इलाही आए, आप गुनाहों से तायब हो जाएँ, दुनिया से बेरगबती हो जाए और आप मुँह मोड़ लें, आप उनके साथ मुँह मोड़ लें। और अहलुल्लाह की ये पहचान नहीं है, जो अक्सर मेरे शागिर्दों को भी ये गिला रहता है कि उस्ताद जी से अभी तक कोई करामत का ज़ुहूर क्यों नहीं हुआ, हमने दिन रात बैठकर देखा है, ना आसमान से गर्म पानी आया, ना ज़मीन से कोई चश्मा फूटा, ना उस्ताद जी के हाथों पैरों से कोई रात को 3 बजे के करीब तहज्जुद के वक्त कोई नूर बाहर फैला, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये देखिए कि मैंने किसी आदमी से सवाल पूछा था, मैंने कहा कुरान मजीद में जो 10 बड़े गुनाह आए हैं आपने मुझे उसमें किसी में मुबतला पाया? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा बस यही मेरी करामत है। ठीक है, करामत ये होती है कि आप हमसे, ये ना कि मुझसे दुआ कराई और आपका काम हो गया, ये अहलुल्लाह नहीं है। मुस्तजाबु दावात होना एक हिस्सा है। अहलुल्लाह का मतलब ये कि आपका कलब दुनिया से फिर जाए, आप जिस गुनाह में मुबतला हैं और वो गुनाह सिर्फ आप जानते हैं या अल्लाह ताला जानते हैं, उस गुनाह को आप छोड़ दें। आप बाज़ुकात एक गुनाह को नेकी समझ कर रहे होते हैं और वो आपके लिए सारी बरकतें आपकी समेट लेता है, खा जाता है सारी बरकतें और आप उसको मामूली समझते हैं। और वो गुनाह, मैं भी मुबतला हूँ, आप भी मुबतला हैं, सबको उस गुनाह का पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप से एक चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे पास ख़त्म होगी, वो है खुद कलामी, सेल्फ टॉक। एक घंटा, आधा घंटा, 2-4 घंटे मरी नारान कगान अकेले चले जाएँ दूर किसी इलाके में जहाँ आप अकेले हों और आपके साथ आप हों। जब आपके साथ आप होंगे, आप फिर आप दोनों बैठेंगे, आप और आपका साथ, ये दोनों बैठ जाएंगे, फिर आप उससे बातचीत करें, उससे पूछें कि मैं किस में मुबतला हूँ, वो आपका अपना आप पर आश्कारा होगा, वो फिर आपसे गुफ्तगू करेगा और फिर उसकी गुफ्तगू जब आपकी होने लग जाएगी चंद दिन तक, फिर आप आदी हो जाएंगे, फिर आप आएंगे, फिर आपको किसी की गुफ्तगू अच्छी नहीं लगेगी, वही आपको बताता रहेगा कि तुम यहाँ गलत हो, वहाँ गलत हो, ये छोड़ दो, वो ना करो, वो करो, ये करो, ऐसे है। तो किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है, लोग बच्चों को साथ नारान का गान लेके चले जाते हैं, लोग बाहर के मुल्कों में साथ ले जाते हैं, बीवियाँ साथ, कब आप अपने आप से बात करेंगे? आपका तो अपना नबी अलैहिस्सलाम गारे हिरा में, सहाबा इकराम पहाड़ों में, सफ़ा मरवा की दास्तान है, आपने तो सफ़ा मरवा वो हमारे यहाँ है ही नहीं, वहाँ पे सहाबा सफ़ा और मरवा के पहाड़ों में घुप अंधेरों के अंदर बैठते थे और अपने आप से बात करते थे। ठीक है, तो अक्सर ओहद पर चले जाना क्यों जाते थे नबी अलैहिस्सलाम? एक दो साथियों को साथ ले जाते थे, ये तो नहीं सहाबा का जमघटा इकट्ठा किया और ले गए। हमारी तन्हाइयों में अगर पाकिजगी आ जाए, हम सोचने लग जाएं, तो बड़े इसमें फ़ायदे हैं। तो उस्ताद जी, सूफिया के यहाँ अल्लाह ताला के बारे में एक नज़रिया है कि अल्लाह ताला हमारा महबूब है, माशूक के भी अल्फाज मिलते हैं, लेकिन कुरान मजीद को देखें या अम्बिया की अहादीस में देखें तो अहले हदीस उलमा भी इसको बड़ा अजीब लेते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं, अल्लाह हमारा आका है, मौला है, खालिक है, उसके साथ चले फ्रैंक होना चाहिए, लेकिन इस अंदाज़ में नहीं। आप क्या समझते हैं अल्लाह को माशूक महबूब और बिल्कुल जैसे हम सूफिया जब भी डाल लेते हैं, इस बारे में कुछ रहनुमाई फरमाएं? अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, मौलाना सदरुद्दीन असलाही रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सैयद अबू लाला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और इंडिया में मौलाना जब आए हैं वहाँ से तो इन्हें अपने पीछे अपने नुमाइंदे के तौर पर छोड़ आए हैं। आप उनकी किताबें पढ़े, इंतहाई संजीदा, आप मौलाना असलाही को भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को, आप किसी बड़े मुफसर को भूल जाएंगे। तो मुझे मौलाना इसहाक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने ही उनकी किताबों की तरफ तवज्जो कराई और उसके बाद मैं और मौलाना इस नतीजे पर पहुँचे इकट्ठे बैठ के, तो सारी किताबों का मैंने इकट्ठा उनके साथ बैठ कर तजिया किया
میں نے کہا استاد جی میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ جو مولانا صدر الدین اصلاحی قرآن مجید سمجھاتے ہیں اور نکات اٹھاتے ہیں وہ کوئی اور کہتے ہیں، یہی بات میں تم سے کہنے والا ہوں۔ تو مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے عشق اور محبت ان دونوں لفظوں کو ڈیفائن کیا۔ وہ میں نے یہاں پہ ایک صاحب آتے تھے پڑھنے کے لیے ان کو دی، کافی بزرگ آدمی تھے، تو وہ میرے پاس آئے لوٹ کر تو مجھے آ کر کہنے لگے کہ اس میں تو میں نے کچھ نہیں پایا۔ وہ ایک بہت بڑے بینک کے آفیسر تھے۔ اس کے بعد میں نے وہ کتاب لے کے ان کو دے دی اور ایک جھگڑے والی کتاب ان کو دے دی، میں نے کہا اس کو پڑھیں، یہ آپ کے مطلب کی نہیں تھی۔ کتابوں کا بعض اوقات پرسنالٹی کو ہم دیتے دینے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ آدمی کیا ہے، اس کے تبصرے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ عشق کا لفظ کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا، احادیث میں نہیں آیا، صحیح احادیث میں نہیں آیا، کیونکہ عشق کے لفظ کے اندر لسٹ ہے، کوئی جنسی آسودگی ہے، اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور ان کے لیے عشق کا لفظ، عاشق کا لفظ نہیں آیا۔ یہ ایک رد تھا اور اچھی بات تھی، یہ ایک علم ہے اور واقعاً ہمیں بادب رہنا چاہیے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ ہم بھی عاشقان رسول بعض اوقات لفظ بول دیتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں اپنے محاورے کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جب اللہ رسول کے بارے میں عشق کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم اس لفظ میں نہیں بولتے، ہم کوئی لغت نہیں دیکھ کر بول رہے ہوتے، ہم ایک چلن جو چلا ہے معاشرے کا اس چلن کو دیکھ کر کرتے ہیں وہ لفظ، باقی تعبیر ہم اسے محبت سے ہی کرتے ہیں۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو خدا تم سے، حب خدا ان سے محبت کرتا ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے، خدا اس، اللہ کے رسول نے کہا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو محبت کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، خدا کے ساتھ ہم محبوب اور محب دونوں کا لفظ بول سکتے ہیں، خدا محب بھی ہے کیونکہ اللہ نے بڑی جگہ کہا خدا صراف، جو لوگ اللہ کے ساتھ یہ خدا کی راہ میں دیتے خدا ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی تباہ کریں، تو محب بھی ہوا اور محبوب بھی ہوا، خدا ہمارا محبوب ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے خدا کی محبت موجود ہے۔ تو اللہ کی یہ صفات ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے خدا رحمان ہے مگر غفور نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے مذل ہے لیکن معز نہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے باری ہے لیکن خالق نہیں، ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ تو جہاں وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہیں وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اس لیے خدا کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمیں محب محبوب یہ الفاظ اگر استعمال کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور عشق کو حب کے معنوں میں استعمال کر لیں تب بھی کوئی قباحت نہیں، لیکن چونکہ وہ عشق کا پھر غلط مطلب لے لیا جاتا ہے تو اس وجہ سے علماء بعض اوقات روک دیتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر بھی الفاظ وہی آئیں جس سے کوئی دوسرا معنی لیا ہی نہ جا سکے، کیونکہ عوام بے احتیاط ہوتی ہے نا، تو عوام کو ہم سارے مسائل نہیں بتا سکتے ہیں۔